नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान ने फिर दी भारत को धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तानी रेडियो के अनुसार ख्वाजा ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, जिसे वह दशकों तक याद रखेगा। ख्वाजा जम्मू एवं कश्मीर सीमा पर स्थित कुंदनपुर गांव के दौरे के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। आसिफ ने कहा कि यदि भारत नागरिकों की आबादी को निशाना बनाना जारी रखता है तो इस्लामाबाद पूरी ताकत के साथ जवाब देगा, और यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता है और आक्रमण फिर से होता है तो हम अपनी गृह भूमि की रक्षा करेंगे और 1965 से भी ज्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। पटेल आरक्षण आंदोलन को बनाएंगे देशव्यापी, गुर्जरों का भी साथ। गुजरात में पटेल आंदोलन का चेहरा बन गए हार्दिक पटेल को अब जाट, गुर्जर और कुर्मी समाज का भी साथ मिल गया है। दिल्ली में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को देशव्यापी बनाएंगे। हम 27 करोड़ से ज्यादा है और हम अपनी पटेल बिरादरी के 95% गरीबों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पिछले एक दशक में हमारे समुदाय के 10,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। हार्दिक ने कहा कि हम सिर्फ पाटीदारों को ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों को भी लामबंद करेंगे। पटेल राजधानी में गुर्जर और कुर्मी समाज के निमंत्रण पर आए हैं। राधे मां बन सकती है बिग बॉस 9 में प्रतिभागी। स्वयंभू धर्मगुरु राधे मां को रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 9 के लिए अप्रोच किया गया है। एक लीडिंग न्यूज वेबसाइट के मुताबिक शो मेकर्स ने प्रतिभागियों को फाइनल करना शुरू कर दिया है और इस संदर्भ में राधे मां से भी मुलाकात की गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे बिग बॉस के घर में दिख सकती है। गौरतलब है कि राधे मां तब से विवादों में है जब से उनकी मिनी स्कर्ट वाली फोटोज मीडिया में वायरल हुई है। इसके बाद उन पर दहेज प्रताड़ना जैसे आरोप लगे। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने भी उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से उन्हें लगातार जान से मार देने की धमकी मिल रही है।